सो हे गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक व्लॉग जो इसमें हम लोग अपनी जो भी मतलब मैं ना आपके साथ मेनली एक ना DIY शेयर करने वाली हूँ जो अपने मैं बैकग्राउंड में यूज़ करूँगी YouTube के बैकग्राउंड में। एंड गाइस, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं भी एक न्यू बैकग्राउंड सोचा है मैंने कि मैं पीछे अपने वो रखूँगी एंड वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहेगा, मेरे रील्स के लिए भी हो जाएगा और आपके लिए भी हो जाएगा YouTube के बैकग्राउंड के लिए। सो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई जो मैंने सोचा है, तो उसकी मैं धीरे धीरे भी DIY बनाऊँगी एंड आपके साथ शेयर भी करूँगी। और जब मैं अपना पूरा मेकओवर करूँगी ना अपने बैकग्राउंड का, तो मैं आपके साथ अलग से एक वीडियो शेयर करूँगी। तो अब मैं फ़िलहाल तो अपने किचन में हूँ, तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं एंड अभी खाना बन रहा है, तो मैं सोच रही हूँ तब तक अपनी DIY शेयर कर लेती हूँ आपके साथ। तो मैं अब बना रही हूँ एक DIY फ्लावर पॉट्स, तो वो पेपर के होने वाले बहुत ईजी है यार, ईजी। आपको बस एक स्क्वायर साइज पेपर चाहिए और कुछ भी नहीं है ना, आप एक इतना अच्छा डेकोर पीस बना सकते हैं और वो इतने क्यूट लगेंगे। इफ़ यू आर थिंकिंग दैट कि आप ऐसे सोच रहे हो कि आप अपने रूम को डेकोरेट कर रहे हो, सोच रहे हो बस कि बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, तो बनाइए गाइस, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। एक बार बनाओगे ना तो फिर आपकी आदत हो जाएगी। तो आज हम लोग बनाने वाले, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं एंड देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो गाइस, फर्स्ट आपको चाहिए होगा एक स्क्वायर साइज पेपर 22x22 का, तो उसे आपको ऐसे ट्रायंगल शेप में करना है। मतलब आपको मैं जैसे बताऊंगी ना वैसे आप करते रहो और एकदम परफेक्टली बताया सब। तो गाइज़, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लग रही होगी कि ये से क्या है, मतलब अगर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है तो आप गौर से देखो, एकदम इजी है अगर आपको लग रहा हो तो, वरना तो बहुत इजी बना है। बट मुझे भी फर्स्ट टाइम देखा तो थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, तो आप देखो और कर लो। तो फ्रेंड्स, अब सारे स्टेप्स हो चुके हैं फाइनली, अब बस ये अभी, हाँ अभी हमारा बस वो क्या हेक्सागन बनाना है एंड हमारा फ्लावर पॉट रेडी हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स मैंने आइडिया में फ्लावर्स बनाए थे जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एंड फाइनली हमारा ये हेक्सागोन फ्लावर पॉट रेडी हो गया है। हो चुका है एंड आपके साथ शेयर भी कर लिया मैंने। तो कैसा था प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताओ एंड अगर आप सोच रहे हो बनाना ज़रूर बनाओ, डेफिनेटली बहुत इजी था, ओनली स्क्वायर साइज पेपर चाहिए। तो अभी हम लोग करने वाले अपना डिनर, तो डिनर बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ बनी आज, मेरी फेवरेट, मतलब बहुत अच्छी लगती है मुझे वो वैसे। तो मैं आपको बताती हूँ कि डेजर्ट में सॉरी हमारे डेजर्ट है वो और हमारे खाने में क्या बना है, ठीक है। हाय गाइस, तो अभी हम लोग अपना डिनर कर रहे हैं। तो आज ना डिनर में मम्मी ने बनाई थी लिक्विड खिचड़ी और ये फ्राई राइस बनाए थे, बट ना लिक्विड खिचड़ी मुझे नहीं पसंद है बिकॉज अभी मम्मी ना विंटर्स में बना रही है खिचड़ी, और अगर आपको बैकग्राउंड वॉइस आ रहा होगा तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी बिकॉज टीवी चालू है हॉल में, सो सॉरी बट मैं ज़ोर से बोल रही हूँ इसलिए। तो यहाँ पे मैंने फ्राई राइस लिए हैं बिकॉज मुझे खिचड़ी अभी नहीं खानी है, और डेजर्ट में स्पेशल है, मतलब है डेजर्ट है बट बहुत टेस्टी लगता है मुझे, आपको लगता है कि प्लीज़ कमेंट में बताना बाद में। सो अभी हम लोग ये फिनिश करते हैं। तो आपको मेरा डीआईवाई कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। हाँ बहुत यम्मी है, आज मैं सुबह से थक गई हूँ सीरियसली, मैंने रील्स बनाई है सुबह सुबह और नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं मौज भी स्टार्ट करूँ, तो अभी मैं देखती हूँ टाइम मिलेगा तो, और स्टडीज भी रहती है साथ में। तक भी ज़्यादा बिल चला नहीं है, 10 बार भी कोई पिक्चर खीर खाएंगे। तो गाइस मेरा डिनर हो चुका है फिनिश, आप देख सकते हैं।